यार फाइनली फाइनली आपका भाई इंटरव्यू क्लियर कर चुका है। अम्मा को ना कुछ अच्छा गिफ्ट दे, जैसे अम्मा कुछ होया है उनका हार्ट बटे है काम में। कैसे है? ये मामा का केक कट होने जा रहा है बस यहाँ पे अभी। भाई ये मेरा अकाउंट में 2 रुपए भेज रहा है, बैटिंग लगी 1 रुपया भी सेट हो जाता है। लल्ला में तो चीजा पीता ही नहीं। ओए 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 क्या कर रहा है भाई ये तू? हेलो एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। जी हाँ भाई, आज आप लोगों ने थंबनेल वगैरह में तो देख ही लिया होगा कि क्या सीन है। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत खास है भाई, क्योंकि आज है मेरी मामा की बर्थडे और मैंने उनको बर्थडे विश नहीं करी है क्योंकि मुझे सरप्राइज देना था। जी हाँ, तो यार मैं सोच रहा था उनको कोई गिफ्ट वगैरह भी दूँ, लेकिन मुझे गिफ्ट समझ नहीं आ रहा था, तो अभी सोच रहा हूँ कि क्या गिफ्ट दूँ मैं उनके लिए। मैं तो बहुत बड़ा गिफ्ट हूँ, लेकिन मुझे भी तो कोई गिफ्ट देना चाहिए ना यार उन्हें। तो बस अभी देखते रहो व्लॉग, बहुत मजा आने वाला है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यार यहाँ पे ना मेरे साथ एक सीन हो गया है, मेरा आ गया है इंटर का रिजल्ट, और इंटर का रिजल्ट आया, मार्कशीट फौरन घर पे आई और मैं तो एकदम से हिल गया। वो तो मैं समझो टाइम पे पहुंच गया, घर वाले खोल ही रहे थे, मैंने छीन के भाग के आ गया। अभी मैं देखता हूँ मेरा रिजल्ट क्या है, ना मैंने देखा है ना आप लोगों ने देखा, अभी दोनों साथ देखते हैं। बल्कि नहीं, आपको भी नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं खुद देखूंगा, अगर सही आया तो दिखाऊंगा, वरना नहीं दिखाऊंगा भाई, साफ बात है। क्योंकि मैंने बगैर पढ़े पेपर दिए। यार फाइनली फाइनली आपका भाई इंटरव्यू क्लियर कर चुका है। इंटरव्यू कर लिया भाई आपके भाई ने, पता है वो भी बगैर पढ़े। मुबारक हो यार आप लोगों को भी। अरे कहना क्या चाहते हो? हर रोज टिकटॉक बनाते थे। ये 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 राज की बात है, क्यों खोल रहे हो यार? बच्चे बच्चे रहो यार। हाँ रिजल्ट आई गया, दफा भाई पास हो गए, पता है आपको? दफा भाई इंटर कम्प्लीट हो गए, पता है आपको? हर वक्त वीडियो बनाते थे, हर वक्त चलो भाई अभी घर पे बताता हूँ, लोगों से छीन के आया था मैं, अब सबको बताता हूँ कि भाई पास हो गया है उदयपा। भाई ये खुशखबरी है, पता है आपको? क्या हुआ? आपका भाई इंटर पास हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मिठाई का मिठाई नहीं खिलाता मैं ऐसी चीजों में। अल्हम्दुलिल्लाह भाई इंटर पास हो गया। अभी मामा को नहीं बताया, लेकिन मैंने अम्मा को बताता हूँ, अभी अम्मा को कॉल कर। परसेंटेज यार नो नहीं देखी, पास देख के तेरा भाई चलता हुआ भाग के आया करते बाहर। अबे घर पे आ गई थी मार्कशीट, घर वाले देख रहे थे। दिखा कौन सी मक्लू? ये कौन सी मक्लू है? पागल लगे। तो भाई फाइनली आपका भाई इंटर पास हो गया। अभी अम्मा को मैं बताता हूँ, अम्मा गई हुई है, उनको कॉल पे बताता हूँ बस, मामा को अभी कॉल करता हूँ, फिर देखते हैं वो क्या बोलती हैं। तो भाई मामा को बताना है कि मेरा रिजल्ट आएगी, उनको बर्थडे विश नहीं करूँगा अभी मैं। कॉल उठा लिए मामी। हेलो, अच्छा मेरी बात तो सुने। ओके ओके ओके, जल्दी से कॉल करें। अभी देखो मामा को बताते हैं क्या सीन है, देखते हैं क्या रिएक्ट करेंगी, वो भी बोलेंगी चलो। मैं तो बोल रहा हूँ दुआएं देंगी, आज हफ्ता है, सबको ना अपना खाने पे ले आओ। ओए होए, लेके जा रहा हूँ मैं घर वालों को, लेकिन घर वाले लेके जाओगे? आज मेरी अम्मा की भी बर्थडे है ना, दोस्तों को लेके जाओगे? सामान मिलेगा नहीं दोस्तों से ज्यादा बेटा माँ बढ़ के, भाई माँ को पहले लेके जाऊंगा। अम्मा की बर्थडे आज पागल, और अभी जाना है यार। क्या हुआ, गिफ्ट क्या दूं अम्मा को समझ नहीं आ रहा यार, आराम बताओ कुछ है, बताना। मोबाइल वोबाइल दे दे। अबे मोबाइल वगैरह तो सब है ना उनके पास है, तू अम्मा को यार, तू अम्मा को ना कुछ अच्छा गिफ्ट दे, जैसे अम्मा कुछ होया है उनका हार्ट बटे है काम में, समझ रहे है ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाथ बटे काम में। क्या कह रहे हैं भाई? वो अकेले फील नहीं करे घर में? नहीं नहीं, मेरी 2 छोटी बहनें हैं भाई, उनको एक बहू दे दे। नहीं नहीं भाई, अभी 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 से अल्लाह माफ करे, कभी भी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं भाई, ऐसा तो सोचूंगा भी नहीं मैं। मेरे पास आई है मामा की कॉल, अब मैं मामा को बताऊंगा कि मैं पास हो गया हूँ भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मामा मैं पास हो गया हूँ, पता है इंटर कर लिया आपके बेटे ने। माशाल्लाह,
भाई मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, मेरे दोस्त ने कल मुझे बोला वे तेरा रिजल्ट आ गया, मैंने कहा नहीं यार मुझे तो पता ही नहीं, तो सुबह मार्कशीट आ गई। हाँ भाई, तो भाई फाइनली मामा तो हो गई है खुश, क्यों ना होंगी भाई, हर माँ अपने बेटे की कामयाबी से खुशी होती है। तो बस अभी आज मामा की बर्थडे है तो उनको भी सरप्राइज तो देना है ना भाई साहब, तो अभी मैं जा रहा हूँ बस उनके लिए गिफ्ट लेना। भाई मैंने पसंद करा था मामा के लिए ये वाला सूट, तो अभी इसके लिए ये निकलवा लिया और अब देखते हैं उन्हें अच्छा लगता है या नहीं। भाई फाइनली आपके भाई ने मामा के लिए गिफ्ट तो ले लिया, साया से एक सूट लिया और अब देखते हैं उनको पसंद आता है या नहीं। तो यार जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं केक लेना भूल गया था और अभी बस केक ले रहा हूँ यहाँ से आके, और देखते हैं क्या सीधे केक ले लेता है उसके बाद। तो भाई आपके भाई ने केक भी ऑर्डर कर दिया है, केक आ रहा है बस पैक होके, उसके बाद देखते हैं इसमें पैक होगा, बस फटाफट फिर केक लो क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो गई है, बस पहुँचना है बस सब खबर जिस पहुँच के फिर मामा वगैरह से आप लोगों को मिलवाते हैं। तो भाई फाइनली मामा आ चुकी है, हैप्पी बर्थडे, कैसी है पता है, आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ अपनी पसंद का, दिखाऊँ साया से लाया हूँ, चेक कर पूरा नहीं ऐसे चेक कर लें बस, नहीं नहीं बस ऐसे चेक कर लें, अपनी पसंद का लाया हूँ मैं, बता आपको ये मेरा फेवरेट कलर है, मुझे पता नहीं था लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम लेकर आया आपके लिए। मीरब बताएगी, मीरब कैसा है, कैसा है अच्छा है, मामा अच्छी लगेंगी ये पहन के। भाई मामा को तो देखो पसंद आई है तो मैं इसका मतलब पास हो गया हूँ, भाई मैं पूरी फैमिली से मिलवाऊँ, इनको तो आप जानते ही हो यार और इसको भी जानते ही होगे, इसको तो वीडियोस में देखा है, इलाके में लड़कियाँ रोक के पूछती हैं सिद्दीकी की बहनों है ना, क्या सीन है। उस दिन मुझे बता रही थी भैया हो ना, मुझे तीन लड़कियाँ रोक के बोल रही थी कि आप सिद्दीकी की बहनों है ना, और ये है इससे बड़ी वाली, और ये है इमरान भाई, क्या हाल है आपके, ठीक है। हसीब अली मेरे कजन खाला के बेटे, और भाई क्या हाल है आपके, शादी का पर्रा जब अम्मा बोले अम्मा तो बोलते ही कर दोगे, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। केक लेकर आया हूँ, अब ये केक अगर आपको पसंद आ गया तो बस फिर समझे सही, ये भी दिल से लेकर आया हूँ, इसको बुरा नहीं बोलिएगा भाई, इसको ओपन करेंगे फिर देखते हैं कैसा है टेस्ट, चलो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अभी ये मामा का केक कट होने जा रहा है बस यहाँ पे, अभी केक कट करते हैं मामा का, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। मामा यहाँ पर आया हाँ ना, बस मैंने छोटा सा लिया सही है, मेरे बेटे ने बहुत रुक गया ना, एक मिनट रुके रुके भाई, ये फायर कैंडल भी लेकर आया हूँ मैं, केक वगैरह तो कट कर लिया हमने और अभी मैं देखो खाना भी आ गया, बस फटाफट खाना खाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या। भाई मेरा आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है लेकिन सर्दी हो रही है, सर्दी में आइसक्रीम का मज़ा है, चलें देखते हैं इसके बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे ठीक है। मैं मामा वगैरह को छोड़ के बस घर से इन लोगों के पास आ गया था, और ये मनुष मुझे अभी मिला है,
ये कुछ टाइम मैंने बोला कि इजी पैसा में आप 2 रुपए भी भेज सकते हो, इजी पैसा में 2 रुपए भी सेंड कर सकते हैं। 2 रुपए रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ खिलाओगे ना 4-5 बन भाई, ये मेरा अकाउंट में 2 रुपए भेज रहा है, बैटिंग लगी 1 रुपया भी सेंड हो जाता है। मामा पे चलो अच्छा एक खुशखबरी, चलो अब यही खिलाएगा खाना, बताऊं क्यों ये खुशखबरी है? खुशखबरी तो सुन ले, तेरा भाई इंटर में क्लियर हो गया तो तू खिला, मैं क्यों खिलाऊं? मेरे पास पैसे ही नहीं, अभी खर्च करके आई है सारे पैसे, अभी आप छोड़ दे रहे हो, अभी आप खिलाओगे। तो भाई फाइनली हमने शीशा वगैरह ऑर्डर कर दिया। आरम भाई ने कौन सा फ्लेवर करा? डेनिल। रेडन क्या? डेनिल। अच्छा डेनिल, मैं समझ नहीं आया ना यार, शोर बहुत हो रहा है। जरा एक गुड्डी मिलना मेरे लिए, बोतल वगैरह खरी हो या नहीं, मतलब शीशा पिए वाला क्या मतलब, मतलब मैं तो शीशा पीता ही नहीं। मजाक है क्या? अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वासित को काट दिया। ये गलत कर रहा है ना, पप्पी ले ली तूने उसकी, पप्पी ले ली बेचारे की। यार वो है इतना प्यारा, क्या करे। अल्लाह कितना आशिक है तेरे यहाँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। देखिए आराम को बताइए, क्लीन शेप हो जाए ऐसा प्यारा लगेगा कसम से। बासित बासित अभी व्लॉग में तो गालियां दे रहे, फिर बोलेगा घर वाले व्लॉग देख रहे हैं। मैं गाली एक भी नहीं दी, जब मैंने आपने 100 गालियां दे दी है मेरे व्लॉग में। मेरे व्लॉग में देख, ये देख क्या दिखा रहा है, ये क्या बच्चियां दिखा रहा है? नंगी लड़की दिखा रहा है। नंगी लड़की, अल्लाह पागल, मेरी फैमिली देखती है भाई मेरे ब्लॉग। कौन कौन सी बातें कर रहा है? तो तौबा कर दो भाई, मैं शरीफ बन रहा हूँ। वो इंस्टाग्राम पे रील्स, जब भी बोलूँ तो इंस्टाग्राम पे हर वक्त ऑनलाइन क्यों रहते हैं बेटा, गंदी गंदी रील्स से देखता है। एक सेकेंड, और ये बोलता है कि मैं नहीं पीता, सही है ना भाई? अभी शीशा आया और सबसे पहले किसने पकड़ा है? और तुम अपनी हरकतें देखो, नहीं पीता ये बात सबको पता है। सबसे पहले इसने पकड़ा है बेटा, मैं पीता हूँ भाई, भाई पीता मैं भी है, पीता ये भी है, झूठ नहीं बोलो। मंगाया किसने? थोड़ा बहुत पीते, ये तो चढ़ती है, इसने आते ही पकड़ लिया। देखो हाँ, मेरी मम्मा की बर्थडे थी, जो आप बातें कर रहे हो ना, ये बातें नहीं करो, कसम वसम मैं नहीं खा रहा। हाँ आप सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, लेकिन आप ये लाजमी पीते हो क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा और अभी भी आप पी रहे हो। मुंह तो ढीले छोड़े, मुंह तो देख कैसा बना रहा है। देख ये देखो, ये मांग रहा है, जब भी नहीं दे रहे, इतना बड़ा चढ़ती इंसान है। ये कह रहे हैं यहाँ फिर आने, क्यों आना है भाई बताओ? बच्ची आ रही है, हैदराबाद से कोई दोस्त आ ही नहीं रहा बेटा। बेटा शेजू आ रहा है, शेजू से पूछ अगले हफ्ते। खाओ अपनी कसम, पूछो जाके अपनी कसम खाओ, अपनी कसम है कि अभी शेजू का आपके मैसेज दिखाऊं। कसम खाने वाला सबसे बड़ा झूठा होता है, इसलिए तो मैं भी कसम खाने का झूठा है। मैंने कोई कसम नहीं खाई अपने पूरे ब्लॉग के अंदर, झूठे। अभी ये बताओ ना, सब बच्ची से मिलने जाएंगे भाई अगले हफ्ते, इनकी बच्ची आएंगी या फिर डेट मारेंगे? जो लड़की देख ली सब को पता है, मैं मना कर देता हूँ। हाँ मैं भी नहीं मिलता किसी से, बस कर दिया कि अगले दिन वाला ब्लॉग भी देगा। तो किसने दिन बाद वाला? तो क्या हुआ, फ्रेंड है, हर फ्रेंड से मिलता हूँ भाई मैं अपनी। बताओ भाई, आप भी मिलते हो ना? हाँ करो, आपसे मिलते तो देखो, हमारी कुछ ना बात अलग है, हम लोग सारे भाई हैं, हम लोग दिन में एक दफ़ा ना मिले तो हमारा दिन नहीं गुजरता।
लेकिन उन लोगों से हफ्ते में एक बार मिलना चाहिए। दिल नहीं लगता ना उनके बारे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये देखो अभी बातों में लगा हुआ है, दिखा दो ना कितने बात कर रहे हो। मैंने कभी जिंदगी में रिंग नहीं निकाली और ये अभी रिंग निकालता ना। चल वंस मोर। मुझे आ रहा है बहुत तेज सही है ना, मैं इसके मुंह में करता हूँ, इसको पहले खुली कर दे। गजब बेइज्जती है। क्या बोल रहे बेटा, ये व्लॉग में ही नहीं डले। ये तो डलेगा, ये व्लॉग में दिख जाए, ये तो डलेगा, फिर क्या होगा व्लॉग में, क्या होगा व्लॉग में, क्या होगा मेरे से करो। आपसे क्यों नहीं करें हम, ये वाला थोड़ा कैंसिल कर दिया। क्या मेरे व्लॉग में ना कुछ भी करो आप, नंबर ना चाहिए ना, मैं वो भी डाल दूंगा। पता है बात सुनो, ये कैंसिल कर देना आप, सही है ना, कैंसिल कर दो, कट नहीं करूं, कैंसिल कर देता हूं। चलो डन हो गया, सही है भाई। तो यार मैं आ गया था घर पे, क्योंकि रात भी ज़्यादा हो गई थी, अपने लोगों के साथ भी बहुत तफरियाँ करी वहाँ पे, और मामा की बर्थडे भी सेलिब्रेट करी, मामा भी खुश हो गई और उनको गिफ्ट वगैरह भी अपना पसंद आ गया। बस मुझे ये खुशी थी कि मामा को गिफ्ट वगैरह पसंद आ जाए और वो खुश हो जाए, और वो हो गई। छोटा सा गिफ्ट था भाई मेरी तरफ से उनके लिए, खैर वो खुश हो गई, मैं खुश हो गया। शाबाश बेटा। आप लोगों को भी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।